हेलो फ्रेंड, माय नेम इज महेंद्र तुरी और मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग महेंद्र में। सो फ्रेंड, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम रेस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म बनाएंगे HTML और CSS की मदद से, तो वो भी मोबाइल से। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगा कि जिस फ्रेंड ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया कर ले। दोस्तों, मैं आप सब के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। सो फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। और हाँ फ्रेंड, मैं जितना भी कोड करने वाला हूँ उस ऐप का नाम है एको एडिटर, तो आप प्ले स्टोर में जाएं और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। सो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, हम अपने कोड एडिटर पे आ गए हैं और एक फाइल बनाएंगे। दोस्तों, फाइल का नाम देंगे index.html, तो इसे सेव करेंगे। सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और अपने मेमोरी कार्ड में जाके यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे। न्यू फोल्डर में क्लिक करेंगे, HTML CSS लॉगिन फॉर्म, इसको सेव करेंगे। तो इसमें जाके सेव कर देंगे दोस्तों अपना फाइल index.html। ये हमारा फाइल बन के तैयार हो गया दोस्तों। और दूसरा फाइल बनाएंगे जो एक्सटर्नल CSS का होगा, जिसका नाम दे देंगे style.css। इसको भी उसी फोल्डर में सेव कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा दो फाइल बनके तैयार हो गया है। अब हमको index.html में कोड लिखना है दोस्तों, तो इसके लिए doctype html, हम HTML5 में कोडिंग कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए doctype html लिखना जरूरी है। HTML क्लोज हेड टैग के अंदर टाइटल में हम दे देंगे HTML CSS लॉगिन फॉर्म। दोस्तों, अब हमको अपना CSS भी लिंक करना है, तो हेड टैग के अंदर ही CSS लिंक होता है दोस्तों। CSS को लिंक करने के लिए दोस्तों हमको ये कोड लिखना पड़ता है, लिंक रिलेशन मतलब रिल इज इक्वल टू स्टाइल सीट। इसका href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट css। अब इसको क्लोज कर देंगे दोस्तों। अब हम बॉडी टैग लेंगे, बॉडी टैग के अंदर एक डिव लेंगे दोस्तों, डिव क्लास, डिव को एक क्लास दे देंगे जिसका आईडी हम रखेंगे bg। और इसी डिव के अंदर और एक डिव लेंगे, इसका क्लास देंगे सेंटर। और इसके अंदर दोस्तों एक इमेज लेंगे जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे दोस्तों, IMGSRC इज इक्वल टू HTTPS डॉट। और इस इमेज का आईडी देंगे दोस्तों, आईडी इसका रख देंगे प्रोफाइल। प्रोफाइल ठीक है दोस्तों।
अब हम एक H2 टैग लेंगे, यहाँ हम लिख देंगे यूजर लॉगिन। अब इसे थोड़ा चेक करके देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा कोड कैसा दिख रहा है। इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं। मेरा मोबाइल थोड़ा स्लो काम कर रहा है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्म अभी कुछ इस प्रकार दिख रहा है। यूजर लॉगिन में गलती हुआ कुछ, ये देखिए दोस्तों। अब हम फॉर्म पैक स्टार्ट करेंगे। फॉर्म क्लोज और एक डीप लेंगे दोस्तों। इस डीव के अंदर एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसका क्लास दे देते हैं दोस्तों बॉक्स। CLASS क्लास इक्वल टू बॉक्स, और इसका प्लेस होल्डर इसका रख देंगे यूजर नेम। तो इसको क्लोज कर देंगे दोस्तों। एक BR टैग दे देंगे जो लाइन आ जाए दूसरी लाइन, और एक डीप लेंगे। इस पे इनपुट देंगे पासवर्ड, क्लास इसका बॉक्स ही रख देते हैं बॉक्स। प्लेस होल्डर में दे देंगे पासवर्ड। BR लगाएंगे दोस्तों, फिर एक डीप लेंगे, इसमें एक बटन लेंगे दोस्तों, टाइप इसका सबमिट रख देंगे। क्लोज करेंगे और यहाँ लॉगिन लिख देंगे। यहाँ फॉर्म क्लोज, उसके बाद फिर एक BR लेंगे, उसके बाद एक डीप लेंगे दोस्तों जो फॉरगेट पासवर्ड के लिए होगा। इसका क्लास दे देते हैं फॉरगेट। इसमें एक H4 लेंगे, हेडिंग H4, यहाँ लिखेंगे फॉरगेट,
पासवर्ड। दोस्तों हमारा HTML का काम पूरा हो गया है, अब एक बार देख लेते हैं ब्राउज़र में चल के कि मेरा कोड कैसा दिख रहा है। दोस्तों तो ब्राउज़र में अभी हमारा कोड ऐसा दिख रहा है जिसको अभी CSS की मदद से इसमें स्टाइल ऐड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हमने एक्सटर्नल CSS यहाँ से लिंक कर दिया है दोस्तों, एक्सटर्नल CSS हम लोग ऐड कर चुके हैं। हम जाएंगे स्टाइल डॉट CSS में, और हम पूरे को पहले मार्जिन 0 करेंगे, और पेडिंग भी 0 कर देंगे। इसके बाद हमने क्लास डाला था BG, देखिए दोस्तों यहाँ पर है BG क्लास। इसको हम पहले स्टाइल करते हैं दोस्तों, क्लास को हम डॉट से टारगेट करते हैं, उसके बाद इसका विड्थ दे देते हैं दोस्तों, विड्थ 0 नहीं नहीं 100%, उसका विड्थ 100% दे देते हैं, और हाइट इसका 100 BH दे देते हैं। बैकग्राउंड इमेज इसमें हम कलर ऐड करेंगे, लीनियर गार्डन 27 डिग्री, इसका कलर हम दे देते हैं 17FCDE, इसको हम 50% रखते हैं दोस्तों। उसके बाद इस और एक कलर देंगे C7FC17, और इसको भी 50% रखते हैं। अब इसको एक बार चल के देख लेते हैं दोस्तों ब्राउज़र में कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारा फॉर्म अभी कुछ इस तरह दिख रहा है। चलिए इसको और CSS डालते हैं, हमने और एक डिव लिया था जिसका क्लास रखे थे सेंटर, सेंटर इसका विड्थ देंगे दोस्तों 350 पिक्सल, इसका हाइट 400 पिक्सल, 400 पिक्सल, और इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। इसका टॉप से हम 50% और लेफ्ट से 50%, इसका बैकग्राउंड इसका रेड रख देते हैं दोस्तों। इसका ट्रांसलेट ट्रांसलेट इसको -50%, -50%,
और बैकग्राउंड इमेज इसका डाल देते हैं, कलर बैकग्राउंड इमेज इसका लीनियर सेम वही डालेंगे दोस्तों, 27 डिग्री। कलर इसका दे देते हैं 17FCDE 50%। दूसरा कलर इसका C7FC और क्या दिए थे FC17 17। इसका भी रख देते हैं 50%। और इसका बॉक्स शेडो दे देते हैं दोस्तों, बॉक्स शेडो 0 1 पिक्सल 6 पिक्सल 0 0 0.12। जीरो 1 पिक्सल 4 पिक्सल और GPA 0 0.24। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। तो अभी हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से दिख रहा है दोस्तों, इसको भी सेट करना है। चलिए एक बार देख लेते हैं, ये देखिए दोस्तों हमारा फॉर्म अभी इस तरह दिख रहा है। चलिए दोस्तों अब हम अपने प्रोफाइल पिक को यानी इस इमेज का जो आईडी हमने प्रोफाइल दिया है इस इमेज को हम सेट करेंगे दोस्तों। चलिए सेट करते हैं, तो इसका आईडी हमने दिया था प्रोफाइल। इसका विड्थ दे देते हैं 120 पिक्सल, हाइट इसका 120 पिक्सल। इसको बॉर्डर, इसको बॉर्डर दे देते हैं, नहीं इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%। पोजीशन इसका रिलेटिव कर देते हैं, पोजीशन रिलेटिव। इसको टॉप से -60 पिक्सल और लेफ्ट से 1 प्रॉपर्टी यूज करेंगे दोस्तों, जिसको हम 350 पिक्सल रखेंगे -120 पिक्सल 2।
देख के हमारा प्रोफाइल पिक्चर सेट हुआ कि नहीं देख लेते हैं। दोस्तों अभी भी कुछ गड़बड़ है, चलिए इसको देख लेते हैं। विद सही पोजीशन रिलेटिव टॉप तो देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा गलती तो कहीं पर नहीं है, ये सिर्फ इसके कारण हुआ। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा इमेज सेंटर में आ गया है। अब हम H2 का इसको H2 को हम लोग टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर सेंटर, कलर कर देंगे वाइट। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म अपर केस। इसका फॉन्ट साइज दे देंगे 2M। वर्ड स्पेसिंग टेन पिक्सल। मार्जिन इसका मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। मार्जिन बॉटम दे देंगे इसका 50 पिक्सल दे देते हैं दोस्तों। टेक्स्ट शेडो दे देंगे -2 पिक्सल और 2 पिक्सल और 1 पिक्सल। इसका कलर दे देंगे हम लोग चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा टेक्स्ट भी सेट हो गया। अब हम इनपुट बॉक्स को सेट करेंगे। इनपुट बॉक्स का हमने आईडी जो दिया था वो बॉक्स था, क्लास दिए थे दोस्तों, इसका क्लास दिए थे बॉक्स। चलिए डॉट बॉक्स इसका विड्थ दे देंगे 40। यूज करेंगे वो कैल्क हंड्रेड परसेंट फोर्टी पिक्सल। इसका हाइट 30 पिक्सल। डिस्प्ले इसका ब्लॉक कर देते हैं।
मार्जिन को ऑटो कर देते हैं, पैडिंग पैडिंग 0 और 10 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसका बॉर्डर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं दोस्तों 10 पिक्सल। अब ट्राई कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों हमारा इनपुट भी तैयार हो चुका है। अब प्लेस होल्डर जैसे चिपक के आ रहा है दोस्तों, उसके लिए एक नया प्रॉपर्टी आया है, देखिए प्लेस होल्डर। इसमें हम लेटर स्पेसिंग इसका 2 पिक्सल रहेगा, कलर इसका ब्लैक रहेगा। ये देखिए दोस्तों हमारा लॉगिन लगभग बन चुका है, इसमें थोड़ा बहुत और काम है तो उसको चलिए कर लेते हैं। बटन का कोई आईडी नहीं दिए थे इसलिए डायरेक्ट बटन से टारगेट करते हैं। बटन इसका विड्थ दे देते हैं 100%, फोर्टी पिक्सल। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। हाइट 30 पिक्सल। अगर आपको CSS और HTML के बारे में कुछ नहीं पता है तो हम एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं दोस्तों, तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। डिस्प्ले इसका कर देते हैं ब्लॉक, मार्जिन ऑटो, कलर वाइट, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं बटन का 10 दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। बैकग्राउंड कलर ये रहेगा, आप कोई भी कलर दे सकते हैं इससे कोई थी नहीं है, और इसका बॉर्डर नॉन रहेगा दोस्तों, बॉर्डर नॉन। इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ताकि बटन में थोड़ा घुमाव रहे, के लिए इसको 10 पिक्सल दे देते हैं। चलिए और देख लेते हैं,
ये देखिए दोस्तों, हमारा बटन भी सेट हो गया है। अब हम फॉरगेट पासवर्ड का कोड करेंगे। तो इसका क्लास क्या दिए थे दोस्तों? फॉरगेट डॉट फॉरगेट। इसका विड्थ दे देते हैं, हंड्रेड परसेंट 40 पिक्सल। लाइन हाइट इसका दे देते हैं, लाइन हाइट 30 पिक्सल। डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन, मार्जिन ऑटो रख देते हैं। कलर इसका व्हाइट दे देंगे। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डोजर ब्लू, ये कलर है दोस्तों डोजर ब्लू, TUD, डोजर ब्लू की डोजर ब्लू। और टेक्स्ट, टेक्स्ट लाइन राइट कर देते हैं क्योंकि हमें राइट साइड में दिखाना है। और पेडिंग राइट दे देंगे इसको, पेडिंग राइट 20 पिक्सल। और ये सारा का सारा कोड आपको मेरे वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री और मुफ्त मिल जाएगा दोस्तों, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ट्वेंटी पिक्सल बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग इसका बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। और फॉन्ट साइज जीरो पॉइंट एट EM। इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल। देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, हम इसको डेस्कटॉप मोड में भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्म कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो आई होप हम आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, हम इस बॉर्डर में भी रेडियस दे देते हैं जिससे ये भी अच्छा दिखे। चलिए देख लेते हैं एक बार करके। तो उसका क्लास क्या था दोस्तों? उसका क्लास था सेंटर। तो इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, और हमारे जिस भी फ्रेंड ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों देख लीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।